नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सतीश गुप्ता में बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का महाराष्ट्र बोर्ड का 2018-19 एकेडमिक ईयर 2018-19 का न्यू सिलेबस अपलोड कर दिया था, वैसे ही मैं भी मैथमेटिक्स पार्ट वन, जिसे आप एलजेब्रा कहते हो, तो एलजेब्रा का मैं बीजगणित जिसे कहते हैं हिंदी में, तो एलजेब्रा का मैं जो सिलेबस लेटेस्ट में नया आया है उस बारे में जानकारी दे देता हूँ। ओवरऑल इसका वीडियो में आप देखेंगे कि जो पोर्शन चेंज हुआ है वो कुछ चेंज नहीं हुआ है, मीन्स मॉडिफाई इतना नहीं हुआ है, और उसमें इंक्लूजन हुआ है, एक्सक्लूजन नहीं हुआ है, इंक्लूजन, मीन्स एक नया चैप्टर आ गया है। ठीक है, स्टार्ट कर दें। ये आपका कवर पेज हो गया, देख लीजिए, कवर पेज में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक, भूमिति नज़र आ रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडेक्स पे आ जाते हैं, चैप्टर्स कितने चैप्टर्स हैं, तो टोटल 6 चैप्टर्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। अब देखिए, स्टैट्स तो पहले भी था, लेकिन स्टैट्स वन और स्टैट्स टू करके उन्होंने दो पार्ट कर दिया था, अब उसे कंबाइन कर दिया गया। प्रोबेबिलिटी भी पहले से था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले था, उसके पहले भी जीपी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे इस बार भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग एक नया चैप्टर आया है। 9th में भी है फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और इस बार इन्होंने जीएसटी से लेसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एसजीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है, कितने टैक्स स्लैब्स हैं, उसके ऊपर से उन्होंने सम बेस किया। ओवरऑल पोर्शन बहुत अच्छा है, सीबीएसई को टक्कर देने लायक है, लेकिन उस तरह अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है, काफ़ी इजी भी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंटेंट्स के साथ, नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट्स के, नए इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।